हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं, जरा देखें कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट जो कॉमन है, विच आर जनरली आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लुरल है, यानी कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन कौन से प्लुरल सब्जेक्ट है, इनको जरा मैं आज के इस वीडियो में डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूं। तो चलिए बात करेंगे कॉमन सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि हम यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट टू प्लुरल सब्जेक्ट। चलिए बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, तो यहां पर आएगा एवरीवन, एवरीथिंग। एक एक वर्ड में बोल बोल के पढ़ा रहा हूं आपको, एवरीबडी, समवन, समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी। आई होप कि ये वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, बट एवरी वन या एवरीबडी या समवन या समबडी में सुन करके आपको लगता होगा कि सर ये ना प्लुरल सब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखेगा मच, आपको दिखा ही, आपको दिखा श्री, तो ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। आगे बात करें, अगर आपको अ बॉय लिखा हो, अ गर्ल लिखा हो, इधर लिखा हो, निधर लिखा हो, ईच, एवरी, ये चारों किसी भी फॉर्म में लिखे हो, लिटिल की बात करें किसी भी फॉर्म में लिखा हो, लिटिल लिखा हो, आ लिटिल लिखा हो, द लिटिल लिखा हो, ये सबके सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। दिस लिखा हो, वन लिखा हो, मैन हो गया, वुमन हो गया, चाइल्ड हो गया, दैट, फर्नीचर। अब यहां से हमने कुछ नाउन्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके साथ सिंगुलर के साथ प्लुरल वर्ब लगा देता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया जाता है, तो इसको जरा समझिएगा। फर्नीचर, इक्विपमेंट, पोएट्री, इन्फॉर्मेशन, हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन सुनने में लग रहा है कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज के साथ है, कभी आप लगेजेस यूज नहीं करते हैं। ट्रैफिक हो गया, न्यूज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एडवाइस, वर्क एंड म्यूजिक, सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। तो आई होप कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट आपको बताया और बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि ये सब सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर वर्ब की बात करें तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इतना क्लियर है। अब आते हैं सर कौन कौन से सब्जेक्ट हमको जो कॉमन है और हमें एग्जाम में दिखते हैं, वो आते हैं प्लुरल सब्जेक्ट की तरफ। इसमें शुरुआत करते हैं बोथ से। अब हम बात करेंगे बोथ, फ्यू हो गया हमारा, मेनी, सेवरल, फीट, फूट होगा तो सिंगुलर फॉर्म में जाएगा और फीट होगा तो प्लुरल फॉर्म में आएगा, टीथ, टूथ होगा तो सिंगुलर और टीथ होगा तो प्लुरल फॉर्म में आएगा, माइस, मैन, वुमेन, ऑक्सन, चिल्ड्रेन, तो ये सारे के सारे नाउन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। प्लीज, पीपल, कैटल, पब्लिक, दे, वी, यू, दीज, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी प्लुरल। अगर बाय द वे हमें सिंगुलर अगर वर्ड से निकल गया हो, लाइक दैट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग आई थिंक, तो इसको समझिएगा सब प्लुरल सब्जेक्ट है। दोज, गर्ल्स, बॉयज, यू एंड आई, एंड यू एंड आई के बाद हमारा है स्कूल्स, नॉट स्कूल, स्कूल्स, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपके प्लुरल सब्जेक्ट्स हैं। एंड अदर प्लुरल नाउन्स एंड कंपाउंड सब्जेक्ट्स, तो हमारे पास क्या दिखते हैं कि कुछ और नाउन्स दिखते हैं जो कि प्लुरल फॉर्म में होते हैं, जिसको आप जानते हो कि सर ये ना प्लुरल माना जाता है, तो भाई वो सबके सब प्लुरल सब्जेक्ट ही कंसिडर्ड होगा। आई होप कि जो कॉमन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सब्जेक्ट्स उनको आपने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। मैं वैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करता हूं कि दबा के शेयर करो, नहीं, आपको अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, जस्ट आपका एक सपोर्ट चाहिए।